नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज बड़ी बहस का विषय है कि क्या मोदी के लिए हवा बनती जा रही है सीबीआई। इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, अवधेश कुमार जी भी जुड़ेंगे जो आशाराम के प्रवक्ता बनके हमसे बात करते थे। लेकिन बीजेपी के पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन में पार्टी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी थोड़े बदले बदले नजर आए। सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम था, उम्मीद थी कि मोदी दिल्ली की मैडम पर गरजेंगे, कांग्रेस के युवराज को चार बातें सुनाएंगे, केंद्र सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी ने मध्य प्रदेश में शिवराज के राज की तारीफ की और फिर अपने सबसे बड़ी चुनौती बताने में जुट गए। मोदी को लगता है कि 2014 में उनके लिए चुनौती कांग्रेस नहीं बल्कि सीबीआई होगी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी गुजरात में चार चार फर्जी मुठभेड़ों की सीबीआई जांच से सहमे हुए हैं? मोदी ने जिन हालात में सीबीआई की चुनौती का जिक्र किया उससे यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सीबीआई जांच के लपेटे में मोदी सरकार के दो मौजूदा मंत्री और दो पूर्व मंत्रियों के साथ खुद मोदी भी हैं। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मोदी के सिर पर सीबीआई का हवा सवार है? क्या वाकई 2014 का चुनाव मोदी बनाम सीबीआई होने वाला है? भोपाल में बीजेपी का महाकुंभ नरेंद्र मोदी के मिशन पीएम का पहला बड़ा कदम था। लाखों की भीड़ के बीच उम्मीद थी कि मोदी केंद्र और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करेंगे। मोदी ने 2014 की चुनावी हुंकार भरी, लेकिन उनके लहजे में ललकार से ज्यादा चिंता झलकी। इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई नरेंद्र मोदी ने सीबीआई का जिक्र कांग्रेस पर हमले के लिए इतनी शिद्दत से पहले कभी नहीं किया, तो क्या ये गुजरात सरकार पर सीबीआई के कसते शिकंजे का असर है? गुजरात में सोहराबुद्दीन, इशरत जहां, सादिक जमाल मुठभेड़ मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इन फर्जी मुठभेड़ों में सबसे ज्यादा आरोप मोदी के सबसे खास से पैसालार अमित शाह पर है। हाल ही में फर्जी मुठभेड़ के आरोपी पुलिस अफसर जीएल सिंघल ने सीबीआई को एक पेन ड्राइव सौंपी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पेन ड्राइव में अमित शाह को बचाने की साजिश का ब्यौरा है। पेन ड्राइव मिलने के बाद ही सीबीआई ने मोदी प्रशासन के दो बड़े अफसरों से पूछताछ की। फिर मोदी सरकार में कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा से पूछताछ हुई और सीबीआई के सामने मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा की पेशी होनी है। मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए निलंबित आईपीएस डीजी वंजारा का लेटर बम सीबीआई के पास है। ऐसे में भोपाल में मोदी की इस बात का एक ही मतलब निकलता है कि वो कहीं ना कहीं सीबीआई से सहमे हुए हैं। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई इस रैली में सीबीआई का जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने भी किया, लेकिन तब उनका लहजा ललकारने वाला था। सीबीआई की बहुत दिखाते हैं, जब इनकम टैक्स का डर बताते हैं, वो गुजरात में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई से भी कहना चाहता हूँ, इनकम टैक्स से भी कहना चाहता हूँ, और इनकम टैक्स पालो, अगर छापे मारना है तो रॉबर्ट वाड्रा के छापे क्यों नहीं मारते? भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहते। महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा रह गया। लेकिन मोदी ने सीबीआई को कांग्रेस की चुनौती के तौर पर पेश किया। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई मोदी ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश में शिवराज के राज की तारीफ की, बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र के सौतेले व्यवहार की दुहाई भी दी। इच्छा
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सीबीआई को लेकर थी। मोदी ने साफ साफ कहा कि उन्हें 2014 के चुनाव में कांग्रेस की नहीं बल्कि सीबीआई की चुनौती झेलनी है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मोदी पर भी सीबीआई का हवा सवार हो गया है? राकेश अग्निहोत्री और प्रसन्ना शाहणे के साथ दीप्ति, भोपाल, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी, साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब, दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू, और मेरे साथ जुड़े हैं रामेश्वर चौरसिया जी। सबसे पहले मीम अफजल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, अब मोदी जी कह रहे हैं सीबीआई चुनाव लड़ेगी। तो आपने अपने तबसरे में कही दिया कि आज कोई ललकार कम थी और चिंता ज्यादा थी। मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं, अभी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से भी वो गायब रहे, जिस पर लोगों ने यही कहा कि वो मैदान छोड़कर पहले ही भाग गए हैं। आज भी सुना था कि कई लाख लोग आने वाले हैं, हमने चेक किया, मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख से लोग ज्यादा नहीं थे, 8-10 लाख का दावा किया जा रहा था। बुरी तरह से पैसा बहाया गया है, एक अनुमान के मुताबिक एक आदमी के आने पर 5,000 रुपया खर्च किया गया है। सो इनकम टैक्स की रेट करा दीजिए, उसके बाद जो मोदी अफजल साहब इनकम टैक्स आपके पास में रेट करा दीजिए, 5,000 एक आदमी, 1.5 लाख आपने कहा, इनकम टैक्स की 5,000 से 1.5 लाख जोड़ दीजिए आप और रेट हो जाए इनकम टैक्स। आप जानते हैं कि जो कुछ आप ही लोग बता रहे थे उसके अंदाजा लगा के मैं बोल रहा हूं, ये कोई इनकम टैक्स वालों ने अध्ययन नहीं किया है, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूं। तो करवाना चाहिए अध्ययन, बीजेपी के पास इतना काला धन कहां से आया? एक बात बिल्कुल साफ थी, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा, चूंकि आपने डिबेट बुलाई है इस इशू पर, इसमें एक खास बात यह है कि मोदी जी ने अलावा कांग्रेस को कोसने के और उन्हें गाली देने के कोई दूसरा काम नहीं किया। ये उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम, कुछ चीज कुछ अगर ये पेश करते अपनी तकरीर में, पहले तो कभी कभार गुजरात का जिक्र कर दिया करते थे, अब गुजरात की भी हमने इनकी पोल खोल दी तो अब गुजरात के आंकड़े लेकर के वो गायब हो गए हैं। अब आज वो शिवराज सिंह चौहान जी का आंकड़े पेश कर रहे थे और बता रहे थे बड़ी तरक्की की है, लेकिन कांग्रेस उन्हें तरक्की करने से रोक रही है। हमने क्या उनके हाथों में हथकड़ी डाली है, कोई परेशान किया उनको कि वो विकास नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं बहुत विकास हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस ने परेशान किया है, विकास नहीं करने दिया, पता नहीं कौन सी बात ज्यादा सही है। तो इन ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि मोदी जी बहुत कन्फ्यूज थे और बहुत घबराए हुए थे, चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर शायद भरोसा किया है और उस भरोसे को वो किसी तरह रखने के लिए आज उन्होंने किया था, और उसके अंदर बिल्कुल वहां पर आम लोग कह रहे थे कि बड़ा शिवराज सिंह चौहान कुछ कर नहीं पाए, दावे बहुत कर रहे थे कि इतनी बड़ी सभा होगी, इतना बड़ा ये होगा, लेकिन लोगों की तादाद बहुत कम थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी का कोई जादू देश के अंदर नहीं चल पा रहा है और यही शायद उनकी परेशानी का सबब था। रामेश्वर चौरसिया जी, मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है, खुदी कर दिए हैं, मैं उस पर क्या कहूँ? मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है, कंफ्यूज और डरे हुए हैं सीबीआई से वो। देखिए, मोदी का मैजिक ही था। नीम अफजल साहब को मैं बता दूं कि ये आम पब्लिक सभा नहीं थी, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते नीम अफजल साहब ऐसी सभा करने की। ये हमारे कार्यकर्ताओं का हुजूम था, जो 5,000 से ज्यादा वहां बूथ है, हर बूथ के 10-20 कार्यकर्ता लिस्टेड आए थे, आपने देखा होगा उनके गले में नंबर डाला हुआ था कि किस कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, किस बूथ से आए हैं, और आप कह रहे हैं मीडिया के लिए आप 7-8 लाख लोग आए थे। आप सुन, अरे पहले पेशेंस रख के सुन लिया कीजिए, आप तो बड़े पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप बोल रहे थे मैं तो एक शब्द नहीं बोला, मैं भी बैठा हूँ वो भी पे, जब आप बोलेंगे तो मेरे कानों में रिवर्बरेट होगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? आपको बोलने का फिर मौका मिलेगा।
आज अगर बुर्का खरीद भी लिया और दे भी दिया तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। बोलिए बोलिए, अगर कि आप जब रिजर्वेशन की बात मुस्लिमों के लिए करते हैं तब तो आपको दर्द नहीं होता है। जब अवधेश जादव 30-30 हजार रुपया मुस्लिम स्टूडेंट को देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं, तब तो आपको दर्द नहीं हो रहा है। बुर्का भी खरीद लिया तो आपको दर्द होने लगा। अजीब बात है आप लोग करते हैं, मुझे बात नहीं समझ में आती। चलिए, मुद्दे से मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। आपने बोला नहीं है, एक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पब्लिक रैली नहीं थी, पहले समझ जाइए। जिस खर्चे की आप बात कर रहे हैं, अरे हमारा कार्यकर्ता तो झोला में खाना भी डालता है, पानी भी डालता है और लेकर के चला जाता है, आ जाता है, रैली सुनता और चला जाता है। वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए आज शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की जो हमने लिस्ट बनाई है, उन कार्यकर्ताओं को लिस्टेड करके बुलाया था, जो कि 5.5 लाख कार्यकर्ता 10 के हिसाब से होते थे, तो कहीं से 20 आ गए, 15 आ गए, इसलिए ये 7.5 लाख की संख्या। ये मोदी मैजिक ही है, मैं आपको बता देता हूं। और मोदी जी क्या डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं सीबीआई का दीपक जी कभी नाम नहीं लिया। मैं हर सभा में गुजरात में सुना हूं सीबीआई अब 12 साल से कहां थी, आज पेन ड्राइव आ रहा है तो सब कुछ आएगा, कोई उसकी चिंता नहीं है। सीबीआई के दुरुपयोग पर तो सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा चुका है कि कांग्रेस कैसे दुरुपयोग करती, हमें इस पर कुछ नहीं बोलना है। जो इनके सहयोगी है उनको तो सीबीआई क्लीन चिट देती है, हमें फंसाते रहेगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, एक कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। और जो आज मोदी जी की घोषणा के बाद आप हरियाणा में देखे रैली, हरियाणा में तो हमारा एक भी सांसद नहीं है, 3 विधायक मात्र है। हम 1 लाख पूर्व सैनिकों की रैली किए लेकिन 4 लाख लोग आ गए। और ये भी बात सत्य है कि चले, चले, मैं देने में भी आनाकानी कर रही थी हरियाणा सरकार। दावों में नहीं जाना चाहता हूँ, एक सीधा सवाल रमेश चौरसिया जी, चिंता जाहिर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जी एक सीधा सवाल बोलिए, सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर, सादिक जमा फर्जी इनकाउंटर, तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर, इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर, कोर्ट्स इसको फर्जी इनकाउंटर कह चुका है। इन सबके मामले में, इन सबके मामले में शक की सुई नरेंद्र मोदी पर है। अमित शाह एक बार जेल भी जा चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी के कहने पर एग्जीक्यूशन कर रहे थे। तो आप देश को ऐसा प्रधानमंत्री दे रहे हैं जिसपे फर्जी इनकाउंटर के मामले चल रहे हैं। दीपक जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के अच्छे पत्रकार और हेड के नाते बात कर रहे हैं। कोर्ट में जब केस चल रहा है, कोर्ट फैसला नहीं दिया, लेकिन फैसला तो आपने सुना दिया। अभी तक तो आप इशरत जहां पर चर्चा, आरोप लगे, आरोप इंडिया ने लिख दिया कि आखिर इशरत पर, हाँ आरोप लगे हैं तो ये तो लगते रहते हैं ना, आज तो आप भी आरोप लगा दें। अभी तो आरोप लगा मुजफ्फरनगर पर आजम खां पर, इसमें तो कोई चर्चा नहीं करता है। हम एक दिन चर्चा कर रहे थे तो नीम अफजल साहब क्लीन चिट आजम खां जी को दे रहे थे कि वो, जबकि पूरी वीडियो है, आप लोगों ने ही दिखाया है टीवी चैनल पे कि किस तरह से अधिकारियों को वो कह रहे हैं। और नहीं भी कह रहे तो देखिए, जिन पर केस किया, फर्जी केस किया, उसको एडीजी को जाके हटाना पड़ रहा है। एक पक्ष पर जो सही केस था उसको हटवाना पड़ रहा है। तो ये मिसयूज जो किया जा रहा है, देखो खतरनाक चीज क्या है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी सीबीआई को, जो अपने पर्सनल गेन के लिए कांग्रेस और बाकी दल यूज कर रहे हैं, इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस देश को। आज बताइए, यूपी में जिस तरह से पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज किया गया, जो एडीजी जाकर के दंगा कंट्रोल करता है उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। हम फैक्ट की बात करते हैं, हम हाइपोथेटिकल बात नहीं करते कभी। और ये फैक्ट है, आप में जिस तरह से पुलिस फोर्स को डिमोरलाइज किया गया, जो एडीजी जाकर के दंगा कंट्रोल करता है उसको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। हम फैक्ट की बात करते हैं, हम हाइपोथेटिकल बात नहीं करते कभी। और ये फैक्ट है, आप लोगों ने दिखाया है, सारे चैनल ने और पेपर ने दिखाया है, मैं कोई हाइपोथेटिकल नहीं कर रहा। चलिए, और आप कितनी सभा थी, नीम अफजल साहब छोड़ दीजिए, ये तो इनको गेस करने दीजिए कितनी सभा थी। हमारे आपके कहने से नहीं, सारा देश का मीडिया वहां जमा था। और हुआ कि ऐसी रैली अभी तक भोपाल में नहीं हो पाई थी, ऐसी रैली नहीं हो पाई थी, लेकिन अवधेश कुमार जी, लड़ाई हमारे और आपके बड़ा सवाल है। आपके, मैं बहस को आगे ले जाना चाहता हूँ रामेश्वर जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, बड़ा सवाल आखिरकार सीबीआई इतना बड़ा हुआ क्यों है नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, देखिए ये मोदी जब से राष्ट्रीय, मुझे मैं बोल रहा हूँ रामेश्वर जी, अवधेश बोल रहा हूँ मोदी जी जब से, एक मिनट खाली सुन लीजिए अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, आप उसके बाद जवाब दी। मोदी दीपक जी पहले तो ये बदले, कोई हवा नहीं है, वो यथार्थ बता रहे हैं जो सीबीआई कर रही है, हवा हुआ नहीं है, ये समझ लीजिए, जो यथार्थ बता रहे हैं। देखिए मोदी जब से राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में आए हैं दीपक जी,
चुनाव और राजनीति का वर्णक्रम बदल रहा है। एक लोकतंत्र के सामान्य चुनाव की बजाय ऐसे लग रहा है जैसे आमने सामने का एक युद्ध हो और युद्ध के अनुसार ही रणनीतियां, युद्ध के अनुसार ही भाषण और वक्तव्य सामने आ रहे हैं। इस प्रकार का चुनावी माहौल चुनाव के पहले कभी नहीं था। तो मोदी जो कुछ बोलते हैं उसका बिल्कुल अर्थ होता है। तो इसका दो पहलू है। पहला पहलू तो है कि एक राजनीतिक रणनीति से दिया हुआ बयान है, क्योंकि मोदी जी ये बता रहे हैं देश को कि मैं एक पुरुषार्थी हूँ, इस देश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, एक मिनट, फर्जी इनकाउंटर के आरोप लगना पुरुषार्थ है? अब अभी बता रहा हूँ, करने के पुरुषार्थ है। एक मिनट, फर्जी इनकाउंटर के आरोप लगना पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ, ये मोदी का पुरुषार्थ न पुरुषार्थ आप कह रहे हैं ना, पुरुषार्थ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं भाई, हवा में तो नहीं बात हुई ना। अगर सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, मेरे से क्यों नहीं कर रही सीबीआई पूछताछ? उसका उत्तर दे रहा हूँ, जरा हमको दो तीन पंक्ति पूरी करने दीजिए। तो मोदी की जो राजनीतिक, भैया ये कितना दिन फर्जी इनकाउंटर नहीं, नहीं भैया इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा, क्यों बार बार फर्जी इनकाउंटर ला रहे हैं? इसका उत्तर आएगा, इस पर बहस करा लीजिए, हम बहस के लिए तैयार है, अभी करा दीजिए इसी पर। देखिए इसका कर लीजिए बहस, किस पर कराना है? नहीं हो जाएगी, इसका तैयार है फर्जी इनकाउंटर पे, पूरा रिकॉर्ड है, बोलने दीजिए। तीन पहलू इसके मेरे सामने है। पहला उनकी राजनीतिक रणनीति है। देखिए दीपक जी, जब कोई नेता ये देश को आह्वान कर रहा हो कि आप मेरा समर्थन कीजिए, मैं एक पुरुषार्थी हूँ लेकिन मैं देश का उद्धार चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस सरकार है, जब मुझसे और भाजपा से टकराने की हिम्मत नहीं है न शक्ति है, तो सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो उसका परिणाम ये आता है कि जो समर्थक है वो धीरे धीरे उनका गुस्सा सरकार की ओर बढ़ता है और ऐसे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ता है। इसलिए एक नेता के नाते मतलब सहानुभूति बटोरने के लिए कर रहे हैं। दूसरी कि वो एक सीबीआई को भी आगाह करना है कि आप राजनीतिक हाथों में मत खेलिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये पॉलिटिकल आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं। दूसरा उनका ये है, लेकिन ये निराधार नहीं है। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया है कि जिस ढंग से इन फर्जी एनकाउंटर के मामलों में और धीरे धीरे उनके पूर्व मंत्रियों से पूछते पूछे इनके गला पकड़ने की कोशिश है, ये संभव है कि मैं मीम अफजल साहब इसको स्वीकारे न स्वीकारे, कांग्रेस जिस ढंग से सीबीआई का उपयोग करती है, पूरी रणनीति ये हो सकती है कि मोदी के गले की ओर शिकंजा डाले। मुझे वह पंक्ति याद है जब वीरप्पा मोइली विधि मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मोदी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, उनके चारों ओर घेरा अब दिख रहा है। तो मोदी जब बोल रहे थे तो उनके चिंता का मनोविज्ञान भी हावी था कि ये संभव है, और ये पहले से लोगों को जब हम बताते हैं तो हमारे प्रति सहानुभूति कायम रहती है कि देखो कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो लोगों को पहले से एक माहौल बनाने की दृष्टि से भी वो बात कर रहे थे। ये तीन इसकी बातें हैं। चलिए मीम अफजल साहब के पास चलता हूँ, राजीव रंजन जी और प्रेम शुक्ला के पास जाऊँ। उससे पहले अफजल साहब, क्या कांग्रेस सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करती है? बिल्कुल नहीं करती। जब सीबीआई हमारे मंत्रियों के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कोई केस बनाती है, उनको गिरफ्तार करती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी बड़ी तायीद करते हैं। दूसरी बात यह है कि अवधेश जी की अभी मैंने जो तबसरा सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो पत्रकार कम है, एक तरफ झुकाव उनका ज्यादा है, और उस झुकाव के बहाव में वो क्या क्या कह गए शायद उसका खुद उन्हें भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने तो ये शायद साबित कर दिया कि कोई बहुत बड़े योद्धा हैं जो मैदान में उतरे हैं, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी सवाल आपने उठाया दीपक जी, एनकाउंटर्स का मामला, उसके बारे में कोई एक जुमला भी नहीं बोला। अच्छा, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पैनल पर अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मैं उसको मानता हूं। तो इसका तो उत्तर मुझे देना पड़ेगा, मीम अफजल साहब, इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा, करना चाहते हैं, इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस प्रकार का आरोप जब लगाएंगे, दीजिएगा जब आपका, नहीं आपका नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने मेरा नाम लेकर के बात कही है, बिल्कुल कहा हूँ, इसलिए कहा हूँ कि आपके, सुनिए, आपके साथ आपने मेरा नाम लेकर के कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया। नहीं, आपको मैंने केवल ये कहा कि ये माने ना माने, कैसे सीबीआई का दुरुपयोग नहीं है जरा बताइए। मुलायम सिंह की भी कुछ, देखिए ऐसा है, मुलायम सिंह पर अगर आप पत्रकार हैं तो थोड़ा बहुत मेरा भी कुछ तजुर्बा है, और मैं भी यही काम करता हूँ। और जगन रेड्डी पर आप करते हैं तो दूसरे भी करते हैं। जगन रेड्डी पर वही सीबीआई का मामला कायम है, मुलायम सिंह से हट जाता है,
लालू पर कायम है क्योंकि अब वहाँ बिहार में आपको दिखाई दे रहा है मिल रहे हैं। तो ये आधी दिखाई दे रहा है भवेश पटेल का कि हमको कहा गया था, जो कुछ आप कह रहे हैं वो काफी दिखाई दे रहा है, लोग भी समझ रहे हैं इसको। तो इसलिए आप इस प्रकार की बातें न करें, कम से कम हम लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलने की स्थिति में रहने दीजिए। मीम अफजल साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको याद होगा 2009 का चुनाव, अगर आप स्वतंत्र रूप से बोले हैं तो शायद मैं इस पर कोई बात ना करूं, लेकिन वो आपके अनुकूल हो आवश्यक नहीं है ना। वो भाजपा की आपने पूछा कि हम सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सीबीआई का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई एक सक्षम इदारा है, हम लोग उसको सक्षम तरीके से काम करते देना चाहते हैं। मीम अफजल साहब के कोई फेवर की बात होती है तो सीबीआई ने बड़ी अच्छी लगती है, और जब सीबीआई कोई ऐसा कदम उठाती है कि इनके मंत्रियों से पूछताछ हो गई, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, आप मुझे बताइए, लोग करप्शन की बात करते हैं, मोदी जी की मिनिस्ट्री के अंदर 3 साल का सजा याफ्ता आदमी आज भी मिनिस्टर बनकर के बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ कहेंगे ये? चलिए जवाब ले लेते हैं रामेश्वर चौरसिया से, जवाब दीजिए रामेश्वर चौरसिया जी। दीपक जी, दीपक, दीपक, और वो सीबीआई ने नहीं किया है, कोर्ट ने किया है। मैं हवा में बात नहीं कर, और जो शिवराज सिंह चौहान की, दीपक जी मैं फिर आपको बोला, मैं शिवराज सिंह चौहान की मिनिस्ट्री बोल रहा हूँ, कम से कम 12 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। सीबीआई चल भैया, यहाँ तो प्रधानमंत्री का जांच सीबीआई कर रही, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे रहे? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दीपक जी, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को फटकार लगानी पड़ी है कि ये सीबीआई जब जांच कर रही है और कोर्ट के निर्देश से जांच हो रहा है तो ये फाइल दिखाया जा रहा है किसको? पीएमओ को फाइल दिखाया जा रहा है, लॉ मिनिस्टर को दिखाई जा रहा है, जिसके चलते रेल मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो क्या था ये छोड़ दीजिए मोदी की बात, सीबीआई का ये कहाँ कहाँ दुरुपयोग करे पूरे देश और दुनिया देख रही है। हमारे रेल मंत्री तो चौरसिया साहब, कैसे बिकाऊ है, हमारे मंत्री तो रिजाइन करते हैं, आपके मंत्री तो 3 साल की सजा होने के बाद मंत्री मंत्रालय में बैठे हुए हैं और उस आदमी की कैबिनेट में बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री का दावेदार है। पूछता हूँ, ठीक है ठीक है, मैं एक सवाल आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, 65 साल में 55 साल आपके राज लिए हुए, छोड़ दीजिए करप्शन की बात, आखिर इस देश का ब्लैक मनी बाहर गया, आपको लोगों ने इंस्पेक्टर बना के बैठाया हुआ था, जब तक नेहरू जी थे एक पैसे बाहर नहीं गया, करप्शन का नामो निशान नहीं था, तो आखिर इस करप्शन की जननी कौन है? क्यों आपने करप्शन को बढ़ने दिया? मुझे मालूम है इंदिरा गांधी जी से जब आपने बाबा रामदेव को छोड़ तो रखा है, करप्शन हो रहा, लंदन गए थे ना तलाशी लेने, 8 घंटे एयरपोर्ट पे पकड़े रहे। अरे भैया भाई, अरे सुन लीजिए ना फिर आप बोल लीजिएगा, उसी जयप्रकाश नारायण जी ने जब कहा तो इंदिरा जी बोली क्या जयप्रकाश जी, देश का पैसा तो देश में ही रह रहा है, जिसके चलते इतना बड़ा आंदोलन हुआ और कांग्रेस अपदस्थ हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी। आप ये बताइए कि इतने सालों में जो आपने 55 साल राज किए, आखिर पैसे बाहर गए, ब्लैक मनी हुआ, करप्शन बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, उग्रवाद, इसकी जननी कौन है? क्यों नहीं आपने रोका उस समय? एक गांव में डकैत होता है तो उसको गांव वाले मिल करके ठीक करते हैं, कोई डकैती छोड़ दे, आप पूरे देश में डकैती होते रही, आपको इंस्पेक्टर बना के भेजा, आप किसको दोष देंगे इसके लिए? क्यों नहीं रोका? दोष देना बड़ा आसान है, आपके पास पावर है, आप रोक सकते हैं, ये तो काम आप करते नहीं है। जब अमेरिका अपना पैसा लेकर निकाल करके ले जाता है, आप नाम बताने में डरते हैं साहब, किसके पैसे वहां है, हमने रोका था क्या? आपकी सरकार है, जब ये भेद खुल गया 2005 में और 4 में आपकी सरकार आई तो आपको नाम बताने चाहिए थे, आपके सारे पैसे बाहर से लाने चाहिए थे, क्यों नहीं आप कर रहे हैं बताइए? मीम अफजल साहब, नहीं किसी का नाम लेंगे, किसी फैमिली का भी नाम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेते बताइए मीम अफजल साहब? मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बाहर से सारा पैसा आया है, तो हमारी पॉलिसी थी जिसके नतीजे में आज जिसको आपने भी चलाया और आगे बढ़ाया, आज आप बात कर रहे हो उस इकोनॉमिक पॉलिसी की जो हमने शुरू की और आप उस पर चलते रहे, और आज आप आंकड़ों के जरिए साबित करते हैं आप लोग कि आपके जमाने में बड़ा राज जो है बड़ा अच्छा चला, वो राज तो हमारी पॉलिसी की वजह से आपका चला, जो ऐसा भी चला। चले, चले। समय तो देश कंगाल हो गया और है, मैंने आप करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे की हालत में पहुंच चुका है, आपके 3 लोग प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कैबिनेट में ताकि हमारा 3 साल का सजा याफ्ता मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसको 3 साल की सजा हो गई है। नहीं नहीं, ये बड़ा अन्याय कर रहा हूँ, प्रेम शुक्ला और राजीव रंजन जी दो आज तक आपने उसको अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं किया,
हमारे मंत्री अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो उनका इस्तीफा लेते हैं। 8 रुपया प्याज था। अरे ये गुजरात के मंत्री का जवाब दे दो ना रामेश्वर जी। आज बरसात गुजरात के किसान लोग एक मिनट सुन लीजिए एक लाइन बोलूंगा एक लाइन गुजरात के मंत्री के सवाल का जवाब दे दीजिए कि बरसात के आप प्याज की बात करते हैं सुन लीजिए गुजरात के मंत्री के सवाल का जवाब तो दे दीजिए सजा आपका है। सरकार प्याज के ऊपर क्या हुआ था याद है कुछ? अगर गांव में आप रहे होंगे अरे मंत्री से प्याज तो जा रहे हैं मालूम है कि बरसात के दिनों में सब्जी की किल्लत होती है तो अध्यादेश ला रही है कि सजा हो जाए तब भी चुनाव गरीब रहता है गांव में प्याज भी आप नहीं दे रहे 80 रुपया किलो बेच रहे हैं प्याज। अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं हमारी सरकार आपकी पॉलिसी रामेश्वर जी चली ये गुजरात के मंत्रिमंडल में रेत माफिया मंत्री हैं जिनके ऊपर इलीगल माइनिंग का आरोप लगा था 3 साल की सजा हुई वो अभी तक मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हैं इसका जवाब दे दीजिए। भैया दीपक जी ये आरोप तो ही आप लगाते ही रहेंगे हम तो पहले आपको बोले अरे मालिक आरोप नहीं है तो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोयला मंत्री है सीबीआई जांच कर रही है पीएम क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं मुझे ये बताइए। आरोप नहीं लगा रहे हैं कोर्ट से सजा हुई है 3 साल की पीएम पर आरोप है पीएम क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं चलिए पीएम रिजाइन कर दें बोलिए मियां अफजल साहब पीएम के रहते फाइल कैसे इसमें 12 मंत्रियों पे आरोप है एक ने भी इस्तीफा दिया। अरे आपके तो इतने अच्छा मीम अफजल साहब आपके केंद्र में मीम अफजल साहब आरोपी नहीं है फिर भी बैठा हुआ है मंत्री बन के मीम अफजल साहब रामेश्वर जी साबित नहीं हुआ आरोप है ऐसा लगेगा कांग्रेस बीजेपी की मैच फिक्सिंग है मुझे शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड को भी लेना पड़ेगा। सीधा सवाल राजीव रंजन जी हवा क्यों है मन में सीबीआई का जरूर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात है दीपक जी तिस्ता शीतलवाड़ ने एक बड़ी बात कही हिरेन पांड्या की मौत गुजरात के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं और वो गुजरात का पहला पॉलिटिकल एनकाउंटर था और जो मुफ्ती सोफिया जिसके ऊपर आरोप है हिरेन पांड्या को मारने का उसको गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचाया। जब हिरेन पांड्या की मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा तो उसके बाद जो गुजरात के फर्जी मुठभेड़ों का जो एक सिलसिला है जिसकी पूरी फहरिस्त आपने बताई समीर पठान तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन और शाहिद जमाल से लेकर के कई नाम निकल करके आए गुजरात की जो पूरी जो 2002 और उसके बाद के फर्जी मुठभेड़ों की जो स्थिति है देश में कई राज्यों में दंगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बराबर आरोप हैं कि दंगे तो गुजरात के अलावा बाकी जगहों पर भी हुए लेकिन दंगों में एक धर्म विशेष एक संप्रदाय विशेष के लोगों को एलिमिनेट करने के निर्देश अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए राजनेताओं की ओर से दिए जाएं और उसको अमली जामा पहनाने का काम राजीव रंजन जी फिर नीतीश कुमार की बाइक चलानी पड़ेगी मेरे को फिर वही बात कर रहे हैं फिर नीतीश कुमार की बाइक चलानी पड़ेगी कि गुजरात को बदनाम किया जाता है मुझे फिर नीतीश कुमार की बाइक चलानी पड़ेगी। नहीं नहीं दीपक जी आप देखिए विषयांतर अगर नहीं मान आप इस तरीके से इस डिबेट को ले जाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वोटों का प्रतिशत देश में है उसके आधार पर उनको अब इस 52 मिनट के बहस का बड़ा हिस्सा उनको देना है मुझे कोई इतराज नहीं है आप जिनका बाइक चलाना चाहें मैं जो कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को फुटेज देना चाहता हूँ। आपने यहाँ ये भी कहा कि वो शिष्टाचार पूरी तरह से वो शिष्टाचार है जब एक केंद्रीय मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किसी समारोह में कोई बात रखता है तो निश्चित तौर पर यह शिष्टाचार है लेकिन दिल्ली भी बुलाता है सवाल है अगर एक बात मेरी बात का जवाब दी दिल्ली भी बुलाता है कोई राजनेता किसी को सर्टिफिकेट दे दे दीपक जी मैं समारोह में कोई बात रखता है तो निश्चित तौर पर यह शिष्टाचार है लेकिन दिल्ली भी बुलाता है सवाल है अगर एक बात मेरी बात का जवाब दी दिल्ली भी बुलाता है कोई राजनेता किसी को सर्टिफिकेट दे दे दीपक जी मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ कोई राजनेता किसी को सर्टिफिकेट दे दे अगर किसी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं हत्या फर्जी मुठभेड़ अधिकारियों के उत्पीड़न और जिस तरह से आज आप जिस तरह के आप पेन ड्राइव से जो जीएस सिंगल से जो एक फर्जी मुठभेड़ का एक बार जिन फिर से बाहर आया इसके पहले डीजी बंजारा ने जिन बातों को कहा है क्या इन बातों के तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह पाने की स्थिति में है कि देश के एक राज्य के अंदर जिसको आप मॉडल के तौर पर कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ पेश कर रहे हैं वो इतना विभेदकारी है कि देश के
कई संप्रदायों के अंदर आज जो संशय और अविश्वास का वातावरण है, इस देश की जो बहुरंगी जो संस्कृति है और जो हम एक बहुरूपता में एकता की बात करते रहे हैं, उसके अनुरूप गुजरात का मॉडल नहीं दिखता है। और यही वजह है कि वो आपको विकास में भी वो एकरूपता नहीं दिखेगी। अगर माइनॉरिटी की लड़कियां हैं, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की लड़कियां हैं, तो उनके ड्रॉप आउट नेशनल एवरेज से भी गुजरात के स्कूलों में ज्यादा है। जो विकास के मायने समझाने की बात वो कर रहे हैं, 10% मुसलमानों को वो गुजरात में ना पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, ना असेंबली का चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, ना मंत्रिपरिषद में उनको जगह देने के लिए तैयार है। तो ये कैसा इंक्लूजन है और ये कैसा विकास है, ये देश जरूर जानना चाहता है। बिल्कुल, देश जानना चाहेगा, समय में देश जानना चाहेगा। इसका जवाब प्रेम शुक्ला से ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हो गया है, रामेश्वर जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी भी बड़ा बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन जब बोलते हैं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, ये कैसा इंक्लूसिव ग्रोथ है? नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ तो इनकी दृष्टि में तब होगा जब भटकल की आरती उतारी जाएगी। इशरत जहां के एनकाउंटर के मामले में से लेकर जितने भी एनकाउंटर के मामले हैं, कांग्रेस ने सीबीआई की जांच को गलत तरीके से चला रखा है, ये आरोप नरेंद्र मोदी के वकील राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में एक सिटिंग जज के खिलाफ लगाते हैं, जस्टिस तरुण चटर्जी के खिलाफ, और ये साबित करते हैं कि उसमें जो है सीबीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को एसआईटी की जांच का निर्देश देने के लिए दबाव बनाया था। सरकार चुप हो जाती है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान रुक जाता है। सीबीआई की यह दशा है, सीबीआई की यह दशा है कि जो तमिलनाडु में करुणानिधि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से नहीं डरे, वो सिर्फ सीबीआई के डर के मारे सोनिया गांधी की शरण में गिरे पड़े हैं। मुलायम सिंह यादव 1999 में बहुत जो है नस्ल भेद पर, नस्ल के नाम पर, विदेशी नस्ल के नाम पर खड़े हो गए थे, वो जो है सपरिवार सीबीआई की मेहरबानी से जनपद के दरवाजे पर खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने भारत की संसद में ये स्वीकारा है। उनके परम प्रिय अमर सिंह जी का इंटरव्यू है, तमाम जगहों पर मैं भेज सकता हूं। ये सीबीआई का पराक्रम है, जगन रेड्डी के साथ पराक्रम किया हुआ है, लालू जी उसी की ताल पे नाच रहे हैं, नीतीश जी के मन में भय की आशंका है, बहुत भयंकर डरे हुए हैं, और इस तरह की स्थिति पूरे देश में है। और ये सीबीआई का पहली बार दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं, 1970 के दशक में जयप्रकाश जी का आंदोलन क्या था, मीसा और एनएसए का दुरुपयोग, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन क्या था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे थे। आज कुछ समाजवादी भटकलवाद के शिकार होकर यदि कांग्रेस के प्रेम में मजबूरी व शरण चापने को तैयार हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी के आरोप को निराधार साबित करने भर का तब भी प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है। प्राइमा फेसी नरेंद्र मोदी का किसी भी हत्या में, किसी भी दंगे में, किसी भी अपराध में यदि प्राइमा फेसी एविडेंस हो तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। ये स्वयं उनका बयान है, ये रिकॉर्ड पर है, और उनके बारे में ये सारे लोग तय कौन कर रहे हैं, जो क्वात्रों की मामा के अकाउंट खोल देते हैं, जो तय कर लेते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का सैफई का बंगला जो करोड़ों रुपए का 50,000 का है, उनको लखनऊ में 1.5 लाख की संपत्ति मिल जाती है। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप इंडियन रिटायर्ड आईपीएस एसोसिएशन के प्रकाश सिंह का, जेएफ रिबेरो का एक आरोप गया है, और उसमें सीबीसी ने इनकी सीबीआई को, यानी उस तोते को जो कौआगिरी करने पर आमादा है, उसको नोटिस दी है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिक व्यक्तित्व इस मुद्दे को छुए भी नहीं? इनके ये लोग जब विपक्ष में थे तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा भाषण निकाल ले, ये प्रणब मुखर्जी के भाषण निकाल ले, ये तो सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दे रहे थे ना। आज सीबीआई बड़ी पवित्र हो गई, और सीबीआई के खिलाफ सारे एविडेंसेज ये रिकॉर्ड पे है, पहली बार है। सुप्रीम कोर्ट गालियां दे रहा, पहली बार है। संसद में लोकपाल बिल को अन्ना हजारे के खिलाफ ये मैनेज इसलिए कर पाए कि इनके पास सीबीआई थी। दिन भर मुलायम सिंह यादव जी समर्थन में लोकपाल के भाषण देते रहे, शाम में बहिर्गमन करके भाग गए। लालू जी ने सीबीआई के दबाव में ही किस तरह से लोकपाल विधेयक पढ़वाया, ये पूरे देश ने देखा। इसके बाद भी आप सीबीआई पे चर्चा कर लो तो खराब लग जाएगा।
नीम अफजल जी को बहुत बुरा लग जाएगा, नीम अफजल जी को मुजफ्फरनगर दंगा नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि कभी कांग्रेस में नहीं रहे तो सपा में सेकुलर जा सकते हैं। तो ये सेकुलरवाद इतना सरल और स्वार्थी हो गया है, ये बड़ा घातक है इस देश के लिए। नीम अफजल साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल लूंगा राजू जी, बिल्कुल लूंगा, लेकिन लेकिन पहला मामला नीम अफजल का बनता है। नीम अफजल साहब, लेकिन उसको मत मानो। इतने उदाहरण लालू से लेके मुलायम सिंह से लेके तोते को कौवा बना दिया आपने, पिंजड़े में बंद है ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब क्या कहेंगे? और वाकई तब तो ये भाषण दिए गए थे कि ये सीबीआई जो है बीजेपी के हाथ में काम करती है। और उससे पहले मैं आपको एक याद दिला दूं, 2009 होटल अशोका राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था, सुन लीजिए आप, राहुल गांधी ने कहा था कि हर सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करती है, मैं कहूंगा कि कांग्रेस नहीं करती है, ये गलत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं आपको पढ़वा सकता हूं उनका एग्जैक्ट बाइट एग्जैक्ट कोड। तो आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपने जो अभी प्रकाश जी ने अभी जो कुछ कहा जिस अखबार के बारे में जिसके वो एडिटर हैं, अक्सर मैं उसे उसके बयान पढ़ता रहता हूं, और जो बहुत सारे आंकड़े अभी वो पेश कर रहे थे, इस तरह के गलत बयानी वाले आंकड़े वो अपने अखबार के जरिए पेश करके काफी कुछ करते रहते हैं, हमको उसकी जानकारी है, काफी अच्छी जानकारी है। एक भी और वो ये तो असल में बुनियादी तौर पर उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका काम ही कांग्रेस की मुखालफत करना रहा है। आज से नहीं, जब से वो तो पैदाइशी कांग्रेस की मुखालफत से ही पैदा ही हुए हैं, कांग्रेस की मुखालफत से ही इनकी पैदाइश हुई है और उसी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। तो वो अगर नहीं बोले तो मुझे हैरत होती है, बोलेंगे तो हैरत होने का कोई सवाल नहीं है। मैं आज की तारीख में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी पर बहस हो रही है, और आपने एक सही बात कही कि वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हाल हैं, और वो जिनको प्रधानमंत्री का भार देने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है, आज उनकी उनकी तकरीर से ये लग रहा था कि उनके पास कोई चुनौती नहीं है। और अभी तक मेरी एक बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आपने भी पूछा कि करप्शन की बात करते हैं, कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, सीबीआई का भी इल्जाम लगा रहे हैं, कहीं यूज हुआ, कहीं मिसयूज हुआ, ये सब बात है। आपने राजीव गांधी का भी हवाला दिया, मैं उस तफसील में ना जाकर के सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, 3 साल से जो आदमी जिसके ऊपर 3 साल की सजा हुई हुई है वो उनकी कैबिनेट में बैठा है, हमारे लोगों ने तो इस्तीफा दिया है, सीबीआई ने अगर पकड़ा है उनको, अगर उन पर चार्ज लगाया है, ये इस्तीफा क्या देना है इनका? इन्होंने तो निकाल करके बाहर भी नहीं किया उसको, कम से कम यही कह देते भैया इस्तीफा दे दो, जब तक फैसला नहीं होगा कम से कम उस वक्त तक बाहर रहो। लेकिन उसको ढिटाई के साथ अपनी कैबिनेट में रखा हुआ है, 12 मंत्रियों के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान के 12 मंत्रियों के ऊपर आरोप है, और वहां पर 12 में से 4-5 का नाम ही गिना दीजिए जा रही है। नीम अफजल साहब की इजाजत पहले बोल चुके हैं। नीम अफजल साहब, नाम तो मुझे याद नहीं है, आप कहेंगे तो 12 में से 4-5 के नाम ही गिना दीजिए। 12 के 12 नहीं, आप 4-5 का ही नाम गिना दीजिए। आप मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं वाकई नाम लेकर आता। गलत, और इतने अहम मंत्री भी नहीं है कि उनके नाम जो है मैं उनको याद रखूं। मेरे ये याद है, उनके ऊपर आरोप है, ऐसे कोई 12 मंत्री नहीं है। मीम अफजल साहब, गलत बयान ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कोई 12 मंत्री नहीं है, इसीलिए आपको नाम भी नहीं याद है। जानकारी में नहीं है ये, ऐसे कोई 12 मंत्री नहीं है जिन पर आरोप है, बिल्कुल नहीं आरोप है, बिल्कुल नहीं है। और 2 मंत्री तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा पैसे का मामला है, चली रहा है। गुजरात वाली बात आपकी ठीक है, मध्य प्रदेश से हम लोग जो एकदम बिल्कुल नहीं है, ये जानकारी में नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, उसके बाद में राजीव रंजन जी के पास। दीपक जी, एक तो सवाल आपने उठा दिए, एक गुजरात में जो जांच चल रहा है, हमारे जेडीयू के फ्रेंड को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे बोलते हैं, लगता है इन्होंने फैसला दे दिया है। ये जासूसी उपन्यास ज्यादा पढ़ते हैं, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ, ये जासूसी उपन्यास ज्यादा पढ़ते हैं, इतिहास में पहली बार हुआ। दीपक जी, दीपक जी एक मिनट सुन लीजिए, छोड़ दीजिए वो क्या पढ़ते हैं, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक आतंकवादी बिहार से पकड़ा जाता है, उसके पहले एक साल में इंडियन मुजाहिदीन के 12 लोग दरभंगा से पकड़े जाते हैं, उस आतंकवादी से पूछताछ नहीं है, इसके लिए सीएम निर्देश देते हैं डीजीपी को, 2 दिन रहता है और पूछताछ नहीं होता है, और हर प्रदेश की पुलिस उसको बुला रही है।
खोज रही है, और जो आतंकवादी मारा जाता है वो इनकी बहन हो जाती है, दामाद हो जाती है, इस पर हम कुछ नहीं कहना है। दूसरा, सीबीआई से तो नीतीश जी ऐसे डरे हैं, आपको याद होगा जब इन्होंने समर्थन दिया राष्ट्रपति को, आपको याद होगा उसके पहले एक केस था इनका, नीतीश जी का या शिवानंद तिवारी का नाम था, वो नाम हटा, फिर तलवार लटकी हुई है, हाई कोर्ट ने कहा है कि उनका नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, तो सीबीआई का सिकंजा उस पर भी अब आपको समझ में आ गया होगा। नीम अफजल साहब जब हारने लगते हैं तो बाकी लोग जो डेटा देते हैं वो झूठ हो जाता है, ये देते हैं वो सच हो जाता है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए नीम अफजल साहब, कोल मंत्रालय की जांच सीबीआई कर रही है, पहली बार इतिहास में हुआ है कि प्रधानमंत्री के अंदर कोल मंत्रालय है उसकी फाइल गायब हो जाती है, आप क्या देश को सुरक्षित रखेंगे? आपका कोयला मंत्री नहीं अभी तक रिजाइन किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रहा है रिजाइन नहीं किया, आपके खिलाफ चल रहा है तो फैसला होने पर रिजाइन करेंगे, बाकी के खिलाफ चल रहा है तो प्रूफ हो गया, क्या कौन कौन सी बात का आप जिक्र करते हैं मुझे कभी कभी समझ में भी नहीं आता। अरे तथ्यों के साथ बात कीजिए, प्रेम शुक्ला जी ऑन रिकॉर्ड एक एक चीज सही बता रहे हैं तो आपको वो झूठ लगता है, आप जो बोलते हैं वो चीजें सच हो जाती है, टीवी पर बोल देना ये झूठ है इसे जनता नहीं मान लेगी, आपके झूठ कहने से कोई झूठ नहीं हो जाएगा, सच्चाई सामने है, इसीलिए मैं कहता हूं कि तथ्य के साथ बात कीजिए और हाइपोथेटिकल मत कीजिए, अगर कोर्ट में चल रहा है तो फैसला आने दीजिए, हमारे लिए भी कोर्ट बराबर है, आपके लिए भी कोर्ट बराबर है। बिल्कुल राजीव रंजन जी, मैं उदय जी के पास जाऊंगा कंक्लूजन के लिए। राजीव रंजन जी, जब हमारे पर जब आरोप लगता है, देखिए सबसे पहली बात हमारे है, पर जब आरोप लगता है तो आप फैसला पहले दे देते हैं, जजमेंट पहले अरे चौरसिया जी आपकी बात हो गई, आपने कह दिया, आप दूसरों की बात भी सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी भटकल प्रकरण पर प्रेम शुक्ला जी के भी काफी उच्च विचार आए और चौरसिया जी ने भी अपने विचार रखे। भटकल और इंडियन मुजाहिदीन की पैदाइश जिस भटकल गांव में हुई है, जहां बाजाब्ता उस धरती में पैदा हुए और वहीं 2008 में वो सुर्खियों में आया संगठन इंडियन मुजाहिदीन, और कमल के खिलने का ये वर्ष है कर्नाटक में, मतलब इंडियन मुजाहिदीन के पीछे भी बीजेपी है, आप ये कह रहे हैं सरकार बनी, इंडियन मुजाहिदीन के पीछे भी बीजेपी है, खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, एक साथ इंटरव्यू का नाम हम लोगों को दो सबसे बड़ी बात ये है, जब दिल्ली ब्लास्ट हुए थे, ये तथ्य जरा राजीव जी थोड़ा तथ्य गलत है, अवधेश जी आप ज्यादा विद्वान है, मैं जो कहना हुआ ट्रेनिंग पाकिस्तान में लिया ऑपरेशन का, मैं ये कहूंगा कि आप आतंकवादी वाले मुद्दे पर राजनीतिक दलों के हिसाब से बहस कराइएगा तो क्या फायदा है, से बहस तो नहीं हो सकता है। नहीं, अगर आपने मुझे कहने के लिए मौका दिया तो उन लोगों को चुप रहने के लिए कहिए, नहीं नहीं वो चुप है, नहीं, वो चुप है, इस तरीके से सवाल ये है कर रहा है, पकड़ा जा रहा है, नहीं आप चौरसिया जी का, हम लोग ऐसे विद्वानों का भाषण सुनने के लिए हम लोग थोड़े ही बैठे हैं, नहीं नहीं हम लोग अच्छी बात ही कहने आए हैं ना, अगर आपने बुलाया है, मैंने कहा कि बिहार में अगर सुनने के लिए थोड़े चौरसिया जी, तो आपने तो अपनी बात कह दी ना, दूसरों की बात भी तो सुनिए आप, ठीक है आज मैं नहीं बोलूंगा, आपने गलत कैसे बोला, वो भटकल पैदा हुआ कर्नाटक में, सुन लीजिए आप बोलिएगा, कर्नाटक में पैदा हुआ, आप क्या गलत और सही की बात करते हैं, क्या गलत सही की बात आप करते हैं, नहीं पकड़िएगा उसको, आपको भटकल गांव, भटकल कर्नाटक का गांव है, वही आसिम रियाज भटकल सबसे पैदाइश हुए और वही इंडियन मुजाहिदीन की बुनियाद पड़ी, आप अवधेश जी क्या बोल रहे हो, बोल रहे हो क्या, मैं नहीं जानता हूं, और उसके बाद 2012 में यूपीए की सरकार ने, 2010 में यूपीए की सरकार ने उसको प्रतिबंधित संगठन बनाया, और आप बार बार सीबीआई की बात करते हैं, आप सत्ता में रहे, एनडीए की सरकार बनी, इस सीबीआई पर आपने क्यों नहीं नियंत्रण हासिल किया, आपने सीबीआई का इस्तेमाल क्यों अपने तरीके से किया, आपने उस समय क्यों नहीं उसको अंकुश में लाने का काम किया, सत्ता के लिए पीछे नहीं रहे हैं, और आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान और मुंबई कश्मीर के चलिए मैं इनको बता देता हूँ, राजीव रंजन जी बहुत भटक जाएगी, मैं इंडियन मुजाहिदीन पर पूरी बात रख सकता हूँ, पीछे नहीं रहे हैं, और आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान और मुंबई कश्मीर के चलिए मैं इनको बता देता हूँ, राजीव रंजन जी का ज्ञानवर्धन कर देता हूँ, राजीव रंजन जी आप उन कैंप्स पर हमला करते, आप सुन लीजिए, राजीव रंजन जी आप हमला करा सकते थे कश्मीर में, लेकिन आर्मी पर बैन के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन का अस्तित्व सामने आया है, आतंकवादी शिविरों को तोड़ने के बजाय शिमला और आगरा में आप समझौते कर रहे थे और कारगिल में पाकिस्तान के घुसपैठिए घुस रहे थे,
अब क्या बात कीजिएगा, कांग्रेस सीबीआई का उपयोग करने जा रही है कि नहीं जा रही है? राजीव रंजन जी कहां पहुंचे, जाना था क्या कांग्रेस सीबीआई का उपयोग कर रही है कि नहीं? तो इस बहस का क्या राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी जो आरोप आपने जिस एनडीए सरकार पर लगाए हैं कहां चले जाते हैं? उसमें रक्षा मंत्री आपके थे जॉर्ज फर्नांडिस, पैसा चले जाइए, ये कहेंगे कि हम शामिल कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप तो फिर आपकी पार्टी पर है, आरोप तो आपकी पार्टी पर है क्योंकि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, हमारे साथ सत्ता में थी, इनसे पूछिए ना। नहीं, आपके रक्षा मंत्री थे भाई, आपके सवाल नहीं पूछे जाए। अगर भटकल बिहार आया था कारगिल और खतर पर बात हो रही है क्या? अगुवाई में कारगिल और खतर पर बात हो रही है, पहले से ही थे, बिल्कुल थे, आप और वो दोनों जिम्मेवार हैं। अगर मैं उसी पर कह रहा हूँ कि इन सवालों पर जवाब ले लीजिए, फिर बोल दीजिए है। आप पूछिए प्रेम शुक्ला जी सवाल, आप ही पूछिए राजीव रंजन जी से, बाढ़ आते हैं आप ही के पास है, स्वस्थ इंटेलेक्चुअल के खजाना आप ही है, राजीव जी बहस हो रही है, आप चले गए कारगिल, चले जाइए पैसा। नीतीश कुमार मंत्री थे, क्या बात करते हैं, मैंने आपको भटकल को कहा, अरे आप पहले बारी बारी से बोलिए ना, गुजरात के दंगों के जिम्मेदार नीतीश कुमार है जी, बारी बारी से आइए, मैं आपको एक चुनौती देता हूं, सुनिए, रेल मंत्री नीतीश कुमार थे और कारगिल हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये सारा सर मेरी चुनौती सुन लो, पहले सुन लो, अभी कर लेते हैं, अभी इसी वक्त कर लेते हैं, विश्वास दोनों को, भारतीयों के साथ क्या कर रहे हैं, मैं दोनों को बहस कर लेता हूँ, जवाब तो दो, हम देख रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए राजीव रंजन जी, जवाब दे दीजिए शुक्ला जी के सवाल का, मुझे यही उत्तर क्या था, उत्तर भारतीय और आपसे बेहतर पता है, जवाब दो, हिम्मत हो तो जवाब दो, हिम्मत हो तो जवाब दो, राजीव रंजन एक रुपए की नैतिकता हो तो जवाब दो, उनका उनके वोट उन्होंने क्या जिम्मेदारी थी, समझ में नहीं आ रही, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो गोधरा के लिए जिम्मेदार थे कि नहीं? यदि आप पे एक फीसदी भी नैतिकता हो, जी हाँ, यदि आपका गुजरात की सरकार के कानून करके फेलियर था कि कारगिल के लिए और लॉ एंड ऑर्डर का फर्क, जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस दोषी नहीं थे, मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहूंगा, पत्रकार होने का अर्थ ये नहीं है कि आप विद्वान है और सारे चीजों का आपको ज्ञान है, अगर सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर का फर्क नहीं समझते हैं तो शिवसेना और देश के दूसरे दलों के बीच का फर्क यही है, आप वही समझना चाहते हैं जो समझते हैं, ये सामान्य ज्ञान है, मैं ये सामान्य ज्ञान मुझे भी है शुक्ला जी, सामान्य ज्ञान मुझे भी है, रेल हादसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, बाहर से आपराधिक चरित्र के लोग गए, कानून व्यवस्था वहां मूक दर्शक बनी रही और वहां इतनी बड़ी घटना घटी, पक्षपात में परेशान हो, ये प्री स्क्रिप्टेड समाजवाद का ढोंग है, पूरी तरह से ये नाजी संस्कृति का अनुकरण था, हिटलर की डायरी से जीवनी से प्रेरित आपका पूरा अभियान है, और जिस तरह से देश में अरे राजीव रंजन जी क्या नरेंद्र मोदी हिटलर है? ये लोहिया के सब पूत लोग हैं, देख लीजिए कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो हिटलर को सीबीआई के घेरे में लाया जा सकता है क्या? इस देश राजीव जी एक प्रश्न है ना, इनसे हिटलर है क्या? नरेंद्र मोदी का हिटलर है, जर्मनी की पुनरावृत्ति नहीं चाहेगी क्या? नरेंद्र मोदी हिटलर है? 45 के जर्मनी का आप बच्चों को तो बचा नहीं पाते हो, आप जर्मनी चले जाते हो, भारतीय जानते हैं बच्चों को तो 23 बच्चे मर गए, उनको तो बचा नहीं पाए, जर्मनी चले जाते हैं, को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, इतिहास बहुत खराब हो गया। अच्छा आप स्वीकार करेंगे ना, मेरा एक कमेंट जरा देखिए, हमारी राजनीति जो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी बुरी और डरावनी दशा में पहुंच गई है, जहां मुद्दों पर, नेतृत्व पर स्वस्थ बहस अब संभव ही नहीं है, वो परंपरा टूट रही है, जैसे प्रतिस्पर्धा युद्ध की होती है ना, कि सामने वाला शत्रु है, ठीक वही स्थिति पैदा हो गई है, यही स्थिति पैदा हो गई है हमारे देश में,
आप बिल्कुल यही स्थिति है और उसी प्रकार से परास्त करने का व्यवहार है ये और कुछ नहीं है ये। और उसमें तथ्यों की भी धज्जियां उड़ाई जाती है और आतंकवाद जैसे मसले को भी राजनीतिक हथियार बनाया जाता है। कार्यकर्ता और आपके विश्लेषण में फर्क नहीं दिखता है। मेरा ये कहना है कि इस समय हम लोग सीबीआई पर चर्चा कर रहे थे और कहां से कहां बहस चली गई। दीपक जी इसमें देखिए अब बहस पर हम लोग लौटे तो भटकल में आपके लोग पहुंच गए और हमारे लोग कैसे हैं वो आप पूछिए जो अरे तो हमारे लोग थोड़े हैं वो किसी की भटकल क्या हमारे लोग थोड़े हैं वो तो आपने बना दिया हिटलर और भटकल सब ला दिया देखिए इनके रिश्ते नहीं है। मेरा कहना यह है कि सरकार सुन लीजिए ना आपको एक मिनट प्रेम जी देखिए क्लोजिंग कमेंट एक 10 सेकंड भाई का मनोविज्ञान दोनों ओर है। नरेंद्र मोदी जी ने भी नाम लिया है उनको मालूम है कि ये घेरा जो है पहुंच रहा है लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को भी पता है कि हमारी जो ये विफलता है जिस ढंग से आर्थिक अर्थव्यवस्था का हमने कबारा किया है भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है सीमा पर जो दयनीय दिखाया है जनता के पास हमारे पास जाने के लिए मुद्दे नहीं है और नरेंद्र मोदी जिस शैली में हमला कर रहा है वो जो प्रश्न उभरा है नरेंद्र मोदी रूपी प्रश्न का कांग्रेस के पास उत्तर नहीं है तो ये संभव है कि राजनीतिक मुकाबले के साथ सीबीआई का और सीबीआई ही नहीं दूसरी संस्थाओं का भी दुरुपयोग करे लेकिन एक लाइन और लेकिन दोनों को देश की जनता खारिज करे लेकिन लेकिन सीबीआई के उपयोग से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जगन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई का उपयोग हुआ मायावती के खिलाफ उपयोग हुआ वो जीत गया इसलिए कांग्रेस को मैं आगाह भी करता हूँ कि सीबीआई का रिकॉर्ड आज तक चुनाव जिताने का नहीं कांग्रेस को हराने का है। अब मीम अफजल साहब 30 सेकंड माफ कीजिएगा। अवधेश कुमार जी मैं आपका मोदी प्रेम समझ सकता हूँ। अब ये तो आप बार बार कहेंगे मोदी और सीबीआई के ताल्लुक से जो आपने बात कही आपसे भी प्रेम है मेरा जब आपका मौका आएगा तो आपके लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो आवाम फैसला करेंगे उसका लेकिन आपका आपका जो मोदी प्रेम है वो इतना ज्यादा छलक रहा है कि उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जाल में फंस चुके हैं और आपको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी से प्रेम नहीं है इनको जो है वो उसी तरफ घूम रहा है। अरे मीम अफजल साहब मैं एक और खुलासा कर दूं अवधेश जी को सिर्फ मोदी से प्रेम नहीं है उपयोग कीजिए सीबीआई का उनको उनका प्रेम आशाराम बापू के लिए भी है। उनका उनका प्रेम आशाराम बापू के लिए भी है मान लेता हूँ आपको पता नहीं उनका प्रेम आशाराम बापू के लिए भी है। 12 साल से मोदी अभी दिखा दीजिए 9:28 पर हम क्या दिखाएंगे जल्दी से एक प्रोमो दिखाइए मैं प्रोग्राम खत्म करूँ। 9:28 पर आप ये प्रोग्राम जरूर देखना अवधेश कुमार जी मैं तो जरूर देखिए 9:28 पर हमारा क्या कार्यक्रम आ रहा है।